समय लगता है उतने रहते हैं तो फिर एक आसन से बैठ करके सात दिन कथा कैसे सुनाए। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ, सभी प्रश्नों का उत्तर आप दें समझाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनक, धरातल पर परमात्मा की लीला है, सब मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म कर्म के बारे में भी सुनाऊंगा। एक बार ब्याजी महाराज कलयुग के आने को समझ करके चिंतित थे। आगे कलयुग में कैसा व्यवहार रहेगा, इनका उद्धार इनका कल्याण कैसे होगा। उन्होंने एक वेद के चार भाग किए, चार वेद बनाए एक में से, ऋग्वेद आयुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। लेकिन वेदों में सूत्र को स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, पुराणों का उन्होंने विस्तार किया, शास्त्रों का विस्तार किया। स्त्री सूत्र और मूर्ख इन तीनों को वेद त्रय पढ़ने का अधिकार नहीं। तब उनके लिए कल्याण के उपाय के लिए उन्होंने पांचवा वेद महाभारत की रचना की। लेकिन फिर भी उनका मन शांति नहीं था। आश्रम में चिंता मग्न बैठे थे। नारद जी ने उस आश्रम पर जाकर के ब्यास जी से मिले, देखा ब्यास जी आप ऐसे चिंता मग्न क्यों हैं। ब्यास जी ने कहा क्या करूं, मैंने पांचवें वेद की रचना की, मैंने पुराणों की भी रचना की, शास्त्रों की भी रचना की, वेदों के भाग किए, परंतु मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी ने कहा यो तुमने वेद के भाग किए, लिखा शास्त्रों को लिखा, उनमें परमात्मा की गुण और कथा लीलाएं अधिकांश नहीं है। जब तक भगवान की कथाओं का गुणगान नहीं किया जाता तब तक मन शांत नहीं। भगवान की तो बड़ी कृपा है, तुम जानते हो भगवान तो दीनों पर भी कृपा करते हैं। मुझे ही देख लो, मुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है। मैं पहले जन्म में तो
मैं दासी का पुत्र था। अहम् प्रासीत भवेद अभयम् मुरे दास्यास्तु कस्याशनम् वेदवादिनाम् निरूपितो बालकः एवं योगिनाम् सुसुणसो प्रावष्टसि। महाराज मैं कितना दीनहीन था, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिता मुझे छोटा छोड़ कर गई और चल बसे। मेरी माँ ने मेरे लालन पालन के लिए एक ब्राह्मण के आश्रम में जाकर के, महात्मा के आश्रम में जाकर के वहां पहुंची और कहा, महाराज मैं असहाय हूं और मेरा ये बालक है, क्या यहाँ आश्रम में हमारी व्यवस्था हो सकती है? महात्माओं ने कहा, यहाँ आराम से रहो, अपने बच्चे हुआ प्रसादी होता है, परंतु भगवान के भक्तों का भोग लगा हुआ महाप्रसाद होता है। मैं उन महात्माओं के बचे हुए भोजन को खाता था। मेरी मति शुद्ध हुई, मेरा मन लगने लगा कोई बालक है, वो परमात्मा बड़ा सुंदर है, कृपा करने वाला है, सब कुछ देने वाला है। मैं महात्माओं के पास बैठा रहता था, छोटा बालक था। महात्मा बड़े दयालु होते हैं और मुझे बुला करके, लाला इस कमंडल में पानी भर ला। मैं उनकी छोटी मोटी सेवा किया करता था, उन्होंने मेरे ऊपर दया करी। एक दिन मैंने पूछा, गुरुदेव परमात्मा के बारे में मुझे बताएं क्या है? परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, व्यास जी ने कहा, प्रभु आप मुझे ज्ञान दें, मुझे बताएं, मेरा उद्धार करें, मेरा कल्याण करें। कहने लगे, नारद जी श्री राधे, उसे बन नारायण 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 से बन नारायण। कहने लगे,
हम गोर पैया लागो ओहो गोर पैया लागो ज्ञान बताए जय हो जन्म जन्म को सोयो मेरो मनुआ 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 ऐसा वादा ने मार जगाए जइयो पैया लागो ज्ञान बताए जइयो।
तुम सब की अरज गुरु ने से से बिसे बासना भागी मन से बिसे बासना भागी हरि दर्शन की आशा जागी हरि दर्शन की आशा जागी भूल गए पट मेरे घट के सब दुख दूर भए जीवन के भूल गए पट मेरे घट के सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन पे सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के जगता झूठा सपना कौन पराया कौन है अपना मिट गए जाल भरम के सब दुख दूर भए जीवन के मिट गए जाल भरम के सब दुख दूर भए जीवन के सतगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के सतगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के सागर में पड़ी है नैया सागर में पड़ी है नैया सदगुरु मिल गए मुझे खेवैया सदगुरु मिल गए मुझे खेवैया बंधन कट गए जम पे सब दुख दूर भए जीवन के बंधन कट गए जम के सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन के सदगुरु मिल गए मन के सब दुख दूर भए जीवन वो बालक जंगल के लिए चले गए। भगवान का गुणगान करते करते जंगल में जाकर के एक सरोवर के किनारे पीपल का वृक्ष खड़ा था, उसके नीचे जाकर के उन्होंने आसन लगाया और भगवान का गुणगान किया। बहुत समय के बाद में भगवान ने उनके हृदय में दर्शन दिए। उस बालक ने कहा
प्रभु मुझे साकार में दर्शन दो। आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, मैं तुम्हें अभी दर्शन नहीं दे सकता, अभी तो मैंने आपको विश्वास दिलाने के लिए अपना दर्शन मन में दिया है। तुम से शरीर को छोड़ करके मेरे धाम आओगे, मेरे भक्त बनोगे, तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। समय आया, शरीर त्याग किया भगवान के मानस पुत्र नारद जी। नारद जी कहने लगे, देखो मैं अब नारद हूं, वही बालक भगवान ने कृपा की और मुझे सबका ज्ञान दिया। ब्यास जी को उन्होंने कथा सुनाई। ब्यास जी से कहा, आप भगवान की लीला का वर्णन करें। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चार श्लोकों में पूरी भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने ब्यास जी को चार श्लोकों में पूरी भागवत सुनाई और ब्यास जी ने चार श्लोकों को भागवत 18,000 श्लोकों में विस्तार दिया। श्री सौनक जी कहते हैं, प्रभु इस भागवत की रचना तो हो गई, परंतु अब इसका विस्तार करने वाला, संसार में ले जाने वाला कौन है? श्री सूत जी कहते हैं, सौनक, जिस नारद ने भगवान की कृपा से, भगवान की प्रेरणा से, व्यास जी से ये भागवत संहिता रचवाई, उसी नारद जी ने विचार किया कि कथा भागवत की रचना तो हो गई, अब इसको संसार में विस्तार कौन करेगा? तो एक दिन वो ही नारद जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं। श्री नारायण 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 अब तो तुम बहुत दिनों में आए हो, क्या बात है, अब तक क्यों नहीं आए? नारद जी ने कहा, मैया मुझे बहुत समय तो हो गया, परंतु मैं ही कारण बस आया हूं। मैया ने कहा, क्या कारण है? नारद जी कहने लगे, मैया मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि कहीं मैंने आपकी शादी शंकर जी से करा के कोई गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मैंने ही तो प्रेरणा दी आपको कि आप महादेव से विवाह करो, मैंने तपस्या के लिए कहा गया, मैंने सब भूमिका बनाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है कि आप भगवान भोलेनाथ से संतुष्ट हैं या नहीं? मैया ने कहा, देवर्षि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भगवान भोलेनाथ से बहुत प्रसन्न हूं। नारद जी कहने लगे, पता नहीं है, वो मन की बात बताते हैं या नहीं बताते? मैया ने कहा, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। अच्छा, वो मुझे स्वप्न की भी बात बताते हैं। अच्छा, नारद जी कहने लगे, पता नहीं वो बात बताई होगी कि नहीं बताई होगी। मैया कहने लगे, नारद वो कोई छिपाव नहीं रखते, वो सब बताते हैं। नारद जी बेर बेर पर कहने लगे, अच्छा सब कुछ बता दिया? हाँ सब कुछ बताते हैं, कुछ नहीं छिपाते, कुछ नहीं छिपाते। मैया वो तो बहुत बड़े कपटी हैं,
हाँ सब कुछ बता दिया होगा परंतु वो बात नहीं बताई होगी। मैया ने कहा कौन सी बात, हम सब जानते हो उनके बारे में। अच्छा हाँ तो मैया ये बताए तुमको कि उनके गले में जो मुन्नों की माला है वो कौन की है। और मैया घबरा गई, ये नारद मुझे तो नहीं पता। अच्छा जी बात आपको नहीं पता तो एक और बात उन्हें बताई होगी, क्योंकि और कौन सी है तुम्हें पता, तुमसे पहले उनकी एक और शादी हुई होगी। अच्छा शादी हुई हमसे पहले, हमें पता ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। अरे मैया ऐसी तो मैंने कहा कितने को बात नहीं छिपाई होंगी। अब तो मैया को माता घूम गए, नारद जी कहने लगे तुम तो कह रही कि सब बात बताते हैं, सब बता बताते हैं, और तो जी बात तो मैं बताई ना, ऐसी तो बहुत सी छिपाई हूँ। नारद जी तो वहां से चले गए, भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, तो जैसे समाधि से जागते वो राम राम कहते, राम 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 सही सुमरण की ना, और जाना सती जागे, राम नाम से सुमरण लागे और जाना सती जगतपति जागे। तब आरती लेकर के उनके सेवा के लिए वो आ जाते थे, परंतु उन्होंने राम राम कहा मैया नहीं गए। शंकर जी ने सुना, सोचा कि उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा, उन्होंने जोर से कहा राम राम राम। मैया ने कहा हाँ हाँ सुन लिया सुन लिया। भगवान ने कहा तो मैंने सुन लिया तो फिर आए क्यों नहीं, अब हम नहीं अब वो आएगी पहले वाली आएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ये पहले वाली पीछे वाली क्या होती है। आहा हमें सब बता है, तुम कपटी हो, नंबर एक के कोई बात नहीं बताते हो, न जाने ऐसी कितनी बात छुपाई हो। वो तो भला हुआ देवर्षि नारद का उन्होंने बता दिया। अच्छा तो नारद जी आए, हाँ बताओ क्या कह गए नारद जी। उन्होंने कहा आज तक आपने कुछ बताया ही नहीं, तुम हमसे प्रेम ही नहीं करते हो। प्रेम नहीं करता हाँ क्यों, आपने बताया कभी कि जी तुम्हारे गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं यही इस बात का प्रमाण है। तुमसे प्रेम करता हूं इसी बात का ये प्रमाण है। मैं तुम्हारी हड्डियों से भी प्रेम करता हूं, जब तुम खत्म हो जाते हो तब तुम्हारे सिर को मैं अपनी माला में डाल लेता हूं। अच्छा तो हम इतने बार मर चुके हाँ, और तुम बेके भी कही हाँ, तुम क्यों नहीं मरते, कही हम हमारे और कही हम बेरे बेरे पे मरे, तो मैंने ये सब ऐसा क्यों किया, तो मैंने ये अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई। भगवान ने कहा मैंने तो कई एक बार सुनाने का प्रयास किया परंतु तुम सुनती कहां हो, सुनती नहीं, और तुमने पहले भी विवाह किया था हाँ, पहले तुम सती थी, सती खत्म हो जाती फिर तुम पार्वती के अवतार में आती, तो मैं तो हो। अच्छा तो वो अमर कथा हमें सुना। भगवान ने कहा तो चलो अमरनाथ पे जाकर के लेकर लेकर गई, कंदराम पहुंच गए, ताली बजाई वहां से सब चले गए। भगवान भोलेनाथ जानते थे कि इस कथा को कौन लेकर के जाएगा, भगवान भोलेनाथ का ही अवतार है सुखदेव जी का। ताली बजाई कोई नहीं रहा, एक अंडा रह गया जो खराब पड़ा हुआ था। शंकर जी ने आसन लगाया, नेत्र बंद किए, पार्वती से कहा हम कथा सुनाएंगे आप हुंका देना, क्योंकि हुंका देना बंद हो जाता तो फिर किस्सा नहीं होता, कथा नहीं। श्री राधे
वो कथा सुनाते पार्वती को शिव शंकर भगवान। वो सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पर गए सोता ऊपर आ गए सोता, उमा के पर गए सोता ऊपर आ गए सोता, उमा के पर गए सोता ऊपर आ गए सोता, उमा के पर गए सोता ऊपर आ गए सोता। कथा सुनाते पार्वती को शिव शंकर भी ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्याची ने आकर के उन दोनों को शांत करवाया और कहा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे वंश को भी नष्ट कर दूंगा। एक चिनगारी अश्वत्थामा ने उत्तरा की ओर छोड़ी, जो उत्तरा के गर्भ था उसे नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के गर्भ में जाकर के जैसे ही ब्रह्मास्त्र गया, उत्तरा का गर्भ में दर्द होने लगा, उत्तरा घबराने लगी। द्रौपदी ने एक बार कहा था, अत्राते पुत्री, संसार में अगर तेरे ऊपर कोई विपत्ति आए ना, तो आप किसी की ओर न देखें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हें बिना समय गमाए भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। इसलिए जैसे उत्तरा ने देखा कि मेरे गर्भ में मेरा बालक नष्ट होने जा रहा है, दर्द की वेदना बहुत हो रही है, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी उत्तरा। पाए पाए महायोगिना देव देव जगतपते, नान्यं तवद भयं पश्ये यात्र मृत्यु परस्पर। उत्तरा दौड़ करके भगवान के शरण में आई, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी रक्षा करो महाराज, रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। भगवान श्याम सुंदर वहीं थे, भगवान ने कहा, उत्तरा मैं तेरी कैसे रक्षा कर सकता हूँ, मैं तेरे शरीर से स्पर्श नहीं कर सकता, क्यों कि स्त्री से स्पर्श तो केवल या पुत्र या पिता या भाई या पति ही कर सकता। पुत्रा कहने लगी, प्रभु अंतस्तम सर्वभूताना महात्मा योगेश्वरो हरे समायायां ब्रह्मोद गर्भ विराटयाम कृतंतवे। हे महाराज, आप तो सबके माता हैं, सबके पिता हैं, सबके भाई हैं और सबके जगतपति हैं, महाराज जगतपति हैं। भगवान श्याम सुंदर ने गर्भ में जाकर उनको दर्शन दिए, अपने चक्र को आज्ञा दी, ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत किया,
परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिए, उनको वरदान दिया, उनकी रक्षाएं करी। कुंती ने भगवान वासुदेव की प्रार्थना करी, हे प्रभु, आपने मेरे परिवार को, मेरे पुत्रों को और मेरे वंश को नष्ट होने से बचा लिया। प्रार्थना करने लगे, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा करी प्रभु। अब श्याम सुंदर राजपाट युधिष्ठिरों का सही देख करके, करवा करके जाने का समय आता है। कुंती परमात्मा से विदा के समय पर प्रार्थना करती है, प्रभु क्या मैं कुछ मांगू तो आप दोगे? कुंती ने प्रार्थना करी, भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बुआ ये क्या कह रही हैं आप? कुंती ने कहा, मैं सोचती थी कि मेरा भतीजा है, भाई का लड़का है, परंतु आप तो स्वयं परिपूर्ण परमात्मा ब्रह्म है, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपसे एक वरदान मांगती हूँ, कुछ दोगे? कन्हैया ने कहा, बुआ क्या मांगना चाहती हो, बोलो। कुंती हाथ जोड़ करके कहने लगी, गोविंद विपद संतुनः शाश्वत त्रतात्र जगद गुरु भावतो दर्शनम यतस्याद पुनर्भव दर्शनम। गोविंद मुझे विपत्ति दे दो, जो संसार के भाग्य में विपत्ति है वो विपत्ति मेरी झोली में डाल दो, और मेरे भाग्य का सुख है वो संसार की झोली में डाल दो। श्याम सुंदर कहने लगे, बुआ ये क्या कह रही है, तुम्हारा जीवन तो विपत्ति में ही निकल गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप संपत्ति सुख मांगना चाहती हो और विपत्ति मुख से निकल रही हो? कुंती ने कहा, गोविंद मेरे मुख से केवल मैं वही निकलती है जो मैं चाहती हूँ, मैं विपत्ति चाहती हूँ। श्याम सुंदर ने कहा, ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारा जीवन विपत्ति में निकल गया, अब विपत्ति क्यों मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा, गोविंद सुख के माथे शिला परे हरी हाथ से जाय बले हारी वे दुखन की सुपल पल ना मुरटाय। हे गोविंद, वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें भगवान छोड़ करके जाते हो, जब तक हम पर विपत्ति रही तब तक आप यहाँ से गए नहीं, हमारा साथ दिया, अब सुख आया आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। हे गोविंद, वो सुख हमें नहीं चाहिए जो भगवान छोड़ करके हमें चला जाए, हमें वो विपत्ति चाहिए ताकि आप हमें कभी छोड़ न सको। कुंती को समझा बुझा करके कहा, कोई बात नहीं। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर मैं द्वारका जाने से पहले पितामह भीष्म बाणों की सैया पर इंतजार कर रहे हैं मेरा, मैं अपने भक्त की विदाई के लिए
जाऊंगा, उनकी विदा करूंगा, तब वो जाएंगे। और उन्होंने सब ने पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादारायण बृहदस्व भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुत। पर्वत मुनि नारद मुनि धौम्य भगवान बादरायण बृहदस्व भरद्वाज शिष्य सहित परशुराम अनेकों ऋषियों को साथ लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं, क्योंकि एक दिन पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं पांडवों का वध करूंगा, और दुर्योधन की पत्नी से कहा तुम मेरे पास रात्रि में आना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। तब श्याम सुंदर द्रौपदी को ले गए, पितामह भीष्म से आशीर्वाद दिलवाया। भीष्म पितामह तो समझ रहे कि बस दुर्योधन की पत्नी आई है, उसे ही बोला मैंने और किसी को पता ही नहीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा पितामह पता नहीं है ये बात आपकी सत्य हो ही या ना हो, आप मुझे सौभाग्यवती भव का वरदान दे रहे हैं और आपने प्रण किया है कि कल पांडवों का वध करूंगा। तब भीष्म पिता ने कहा द्रौपदी, हाँ भीष्म पितामह समझ गए कि जरूर श्याम सुंदर ही इसे लेकर के आए हूं। दौड़ करके गए, श्याम सुंदर को देखा और कहा गोविंद जब आप ही जिसके रक्षक हैं, आप ही कुछ करें, जो होने वाला है वो होकर के ही रहेगा, होने के लिए भीष्म क्या कर सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करी और कहा गोविंद मरते समय पे मनुष्य की बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती है, भ्रमित हो जाती है, इसलिए हे परमात्मा तब आप मुझे दर्शन देकर के मेरी विदा करें। उन्होंने वरदान मांगा हे गोविंद मुझे देना सहारा, हे गोविंद मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। Thank you.
को ना हर कुछ में तो दुनिया का इशारा देखो ना हर कुछ में तो दुनिया का इशारा कहीं छूट जाए काम को साथ लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं। उन्होंने जो वरदान मांगा भगवान ने दिया, उनकी पूर्ति के लिए श्याम सुंदर जाते हैं। पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं। पितामह भीष्म ने श्याम सुंदर को प्रणाम किया और धर्मराज को देखा। धर्मराज ने प्रणाम किया और कहा, पितामह आप हमारा मार्गदर्शन करें। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिए और कहा, हे युधिष्ठिर, कभी किसी को सताना मती, पाप मती करना। तो पाप करने की तो बात क्या है, पाप होते हुए देखना भी नहीं। अगर कोई पाप